सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां वाणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी आपीनवक्षोरुहा पाणिभ्या मलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां न्यायेत् परामम् जय माँ ललिता जय गुरुदेव मेरे दर्शकों ने मुझसे ये अनुरोध किया था कि मैं ललिता सहस्त्र नाम को सरल हिंदी में समझाऊं, उसके भावार्थ को मैं प्रकाशित करूं। तो आप लोगों के अनुरोध पर मैं ये सेवा आपके हृदय के अंदर बैठी माँ ललिता को समर्पित करती हूं, और अपने गुरुजनों के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूं कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस विषय को सरल शब्दों में समझा पाऊं। ललिता सहस्रनाम स्त्रोत्र में हजार देवी के नाम हैं और स्त्रोत्र में देवी की के स्वरूप का चिंतन देवी ने क्या क्या लीलाएं की हैं उनका चिंतन देवी के स्वभाव का चिंतन देवी का नाम नाम रूप लीला गुण ये सब इस एक सहस्त्र नाम स्त्रोत्र के अंदर समाहित है कई बार जो तांत्रिक लोग होते हैं वो भक्ति मार्ग से थोड़ा दूर भागते हैं <laughs> लेकिन ललिता सहस्त्र नाम अपने आप में दोनों का समन्वय है भक्ति की तरफ से देखें तो ये सहस्त्र नाम है भक्ति में चार चीजों पर हम श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान के नामों का भगवान के रूप का भगवान के गुण का और भगवान की लीलाओं का यही चार नाम का श्रवण कीर्तन होता है श्रवण कीर्तन स्मरण ललिता सहस नाम में भी वही होता है श्रवण कीर्तन स्मरण हम मां के नामों का श्रवण करते हैं और मां के नामों का कीर्तन कर रहे हैं हजार नाम जब हम कहते हैं तो मां के नामों का कीर्तन हो रहा है और अगर आप अर्थ समझ गए तो मां का ध्यान आपको आने लगेगा तो मां का स्मरण हो गया हम अर्चना करते हैं भक्ति में नवविधा भक्ति होती है उसमें पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नवविधा भक्ति होती है तो जो हम ललिता ससनाम करते हैं उसमें भी हम वही कर रहे हैं कि हम मां के नामों का स्मरण करते हैं नाम रूप लीला गुण उनका धाम मां के धाम का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा माँ ने क्या क्या लीलाएं की उसका डिस्क्रिप्शन आएगा मां कैसी दिखती है मां के रूप का डिस्क्रिप्शन आएगा ये सब हम करते हैं साथ में मां की वंदना करते हैं नमस्कार करते हैं साथ में मां की अर्चना करते हैं अर्चनम वंदनम दास्यम हम अपने आप को माँ का मां की सेवा कर रहे हैं ना हम सख्यम माँ के साथ हम वो एक ऐसा संबंध बनाते हैं कि माँ हमेशा हमारे साथ है और आत्मनिवेदनम हम अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं तो इसलिए जो ये जो ललिता सहस्त्र नाम का जो पाठ पठन होता है भले ही लोग इसको तंत्र का नाम देते हैं लेकिन इसमें भक्ति भी मिली हुई है दूसरा ये तंत्र तो है ही क्योंकि तंत्र का अर्थ पता नहीं लोग क्या लगाते हैं आजकल लोगों को लगता है बस माला वाला पहन लेना है दो चार यंत्र मंत्र लटका लेना है और अम, आम, बहुत सारे स्टोन्स लगा लेने वही है शायद तंत्र लोगों के हिसाब से लेकिन तंत्र का अर्थ क्या होता है तंत्र का अर्थ होता है टेक्निक साइंस टेक्नोलॉजी उस तकनीक से जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सके जुड़ सके उसी को तंत्र कहा गया तो हम यहां पर जो श्रवण कर रहे हैं सुनते 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 हम देवी माँ क्या जुड़ जाते हैं हम जो अर्चना करते 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 हम उस श्रीपुर को समझ जाते हैं हम श्रीयंत्र को समझ जाते हैं मां के धाम को समझ जाते हैं हो गया हम मां से जुड़ गए तो वो तकनीक वो टेक्निक जिससे हम मां से जुड़े वही तंत्र है तो तंत्र और भक्ति दोनों का बड़ा सुंदर समन्वय यहां पर होता है वो संगम आपको यहां पर दिखाई देगा चलिए अब हम पढ़ते हैं मैंने अभी जो बुक ली है जिससे मैं पढ़ती हूँ हमेशा गिरी बुक स्टोर से मैं ये बुक लेती हूँ लिया है मैंने यहाँ से गिरी बुक स्टोर माटुंगा में मुंबई में है वहाँ पर आ, ये क्योंकि साउथ वाले लोग बहुत ललिता ससनाम पढ़ते हैं मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आ, गुरु दीक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं है ललिता ससनाम पढ़ने के लिए क्योंकि साउथ में तो घर घर में साउथ इंडिया दक्षिण जो भारत है हमारा क्षेत्र वहां पर घर घर में ललिता ससनाम होती है ज़्यादातर लोग ललिता ससनाम करते हैं बहुत स्त्रियां करती हैं बचपन से करती आ रही हैं घर में और वो लोग कोई दीक्षित नहीं है और सबके घर में कल्याण ही हुआ है तो दक्षिण भारत में तो इसको अच्छे से पढ़ा जाता है और कोई दीक्षा विक्षा की कोई कंपल्सन यहाँ पर ललिता सहस्त्र नाम के लिए नहीं है तो आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़ना और वो वीडियो ज़रूर देख लेना कि क्या दीक्षा की आवश्यकता है मैंने लिखा है क्लियर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है सहस्त्र नाम स्त्रोत्र के लिए दीक्षा की आवश्यकता श्री विद्या में आगे चल कर के आती है यदि आपको उसकी साधना समझनी है तो नहीं तो ज़रूरत नहीं है ललिता सहस्त्र नाम कोई भी पढ़ सकता है कोई इसमें ज़्यादा नियम वगैरह नहीं है कुछ एक नियम है क्योंकि नियम ऐसा है कि आप लोग नॉनवेज ना खाएं मांसाहार छोड़ दें मद्यपान वगैरह न करें और कोई ऐसी वैसी आपके अंदर यदि आदतें हैं स्त्रियों को माँ के स्वरूप में देखिए और उस भाव से सभी स्त्रियों का आदर कीजिए तो वैसा करके उस भाव शुद्ध भाव से आप ललिता सस नाम का पाठ पठन कीजिए चलिए जो गिरी बुक की जो जो गिरी स्टोर की जो ये बुक है इसके अंदर गणेश वंदना और गायत्री मंत्र फिर संकल्प फिर न्यास फिर ध्यान और उसके बाद फिर पूरा मंत्र शुरू हो जाता है मैं आपको पहला वाला पाठ भी समझा दूंगी और ये अगर किसी को कठिन लगता हो या किसी के पास ज़्यादा समय नहीं हो और वो पढ़ने पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उससे जो एक सरल मार्ग है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी जो हमारे गुरु प्रदत्त मार्ग है और वो भी ऑथेंटिक ही है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी मेरी मेरा प्रयास यही है कि आप लोग माँ से जुड़े आपके मन में कोई भ्रांति ना हो कोई डाउट ना हो कोई संशय नहीं हो लोग आपको डराएं नहीं डरना नहीं किसी ने तो मेरे कहीं मैंने पढ़ा था मेरे किसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया अरे ललता सस्ता मत पढ़ना योगिनिया कुछ कर देंगे आप जानते हैं योगिनिया कौन है बिना जाने कुछ भी मत गलत बातें फैलाइए यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है यहाँ तो आनंद ही आनंद है कोई माँ खुश होती है और योगिनियाँ प्रसन्न होती हैं कि अरे कोई तो माँ को याद कर रहा है कोई इतना कोशिश कर रहा है माँ तो भेजती है योगिनियों को कि जाओ इनकी सहायता करो ये मेरे से जल्दी से जुड़ जाए तो ऐसे सब डरावनी बातें भ्रांतियाँ जो लोग फैला रहे हैं प्लीज फैलाइए मत आप भी लगिए आप भी भगवान का और माँ ललिता का सहस्त्रनाम स्त्रोत्र पाठ कीजिए इसमें दो चीज होती है एक होता है हजार नामावली और एक होता है स्तोत्र दोनों का अर्थ सेम है लेकिन मैं जब लोगों को जब मैं सिखाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सहस्त्र नाम स्त्रोत्र शुरू शुरू में पढ़ने में तकलीफ होती है क्योंकि लंबे लंबे लाइन है है ना लंबी लंबी लाइन्स हैं वो मंत्र पढ़ने के लिए तो फिर वो मुँह में बैठता नहीं लेकिन जब आप उसी को तोड़ तोड़ करके नामावली में जो दो भाग है ललिता सहस्त्र नाम स्त्रोत्र ललिता सहस्त्र नाम नामावली ठीक है ना तो नामावली सरल है क्योंकि उन्हीं मंत्रों को तोड़ तोड़ करके बताया गया है स्तोत्रम बिगिनिंग में शुरुआत में कठिन होता है लेकिन अगर आपके नामावली पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी हो गई अगर वो अभ्यास आपका अच्छा हो गया है तो आप बड़े आसानी से फिर स्तोत्र पढ़ पाएंगे दोनों एक जैसे ही हैं, कोई उसमें अंतर नहीं है ठीक चलिए अब हम लोग जो विधि है उसमें चलते हैं उसमें प्रवेश करते हैं बुक के हिसाब से पहले ठीक पहले अपने गुरुजनों को याद करना श्री गुरुवे नमः श्री गणेशाय नमः श्री भैरवाय नमः तीन लोगों को हम हमेशा नमस्कार करते हैं गणेश जी को गुरुदेव को और भैरव को अब कोई अब अब फिर प्रश्न उठेगा अरे हमारे तो गुरुदेव नहीं है हमने तो दीक्षा नहीं है तो अब क्या करें <laughs> यह जो ललता ससनाम है ना इसकी जो गुरु है ना ये साक्षात ललिता है श्री गुरु रूपिण्य नमा ठीक है ये ललिता के ललिता मां का संप्रदाय है ये शिवजी ने दिया हुआ है तो शिवजी इसके गुरु हैं तो so, यदि आपने कोई ऐसे देह रूपी गुरु नहीं बनाया है जिसने आपको ललिता सस्ना में दीक्षा नहीं दी तो चिंता मत करना माँ ललिता को और शिवजी को अपना गुरु मान करके बच्चे जैसे बिल्कुल एकदम सरल भाव में बैठ करके ललिता तत्नाम का जाप करना ठीक चलिए श्री गुरुवय नम श्री गणेशा नमह भैरवाय न नमः गणेश वंदना शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांत गायत्री मंत्र ओम भू ओम भूव सुव महाम जनह ओम तपह ओम सत्यम ओम, 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 ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो धियो यो न प्रचोदयात ओमा पोजो ओ अमृतं ब्रह्म भूर्वस्वरो अब संकल्प लेना होता है तो संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में आप चावल रख सकते हो जल ले सकते हो या सिक्का रख सकते हो कोई या फूल रख सकते हो और अगर ये सब कुछ भी नहीं है आपके पास तो भावना कर सकते हो लेकिन मैंने ये सब चीज़ों की बातें इसलिए करी कि जब भी आप पूजा करने बैठना पानी तो ज़रूर रखना जल एक ग्लास में माँ के लिए ज़रूर रखना है थोड़ा सा प्रसाद माँ के लिए जरूर रखना है थोड़ा सा चावल माँ के लिए जरूर रखना थोड़े से फूल माँ के लिए जरूर रखना ठीक है तो जल लेना हाथ में और फिर ऐसे हम लोग जल लेते हैं देखो आप ठीक है ऐसा मुद्रा बनाना ऐसे जल लेना कब बन गया ना आपका इसमें आप जल डालो ठीक और अपने भाषा में पहले बोल देना कि हे माँ हम लोग ये हजार सहस्त्र नाम का जप कर रहे हैं ढक देना हम लोग हजार सहस्त्र नाम का ये जप कर रहे हैं आप इस पे प्रसन्न होइए हमारी इच्छाओं को पूरा कीजिए हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए ऐसा कहना फिर संस्कृत का श्लोक पढ़ देना अच्छा श्रीलिता सहस्रनामस्त्र महामंत्र वशिन्याद वागदेवता ऋषि अनुष्टुंदीलितापरमेशरीदेवता ऐ श्रीमद्द्द्वा बुटेति बीजं क्ली मध्यकुटेतिशक्ति सौहशक्तिकुटे कीलक श्रीलिता महात्रिपुररी प्रसाद द्वारा चिंतीत फलम व्या जपे विनियो फिर जल्कवा के पास गिरा देना नीचे किसी बर्तन में तो एक बर्तन साइड में रखना ठीक अब हम लोग चलते हैं न्यास पर न्यास दो प्रकार का दिया गया है बुक में एक होता है उंगलियों का न्यास न्यास उसको कहते हैं कर न्यास कर मतलब आपके हाथ और एक होता है अंग न्यास अंग मतलब बॉडी के छह पार्ट्स ठीक है तो पहले करन्यास तो ये आपकी उंगलियां हैं तो पहले हम शुरू करेंगे अंगूठे से एंग अंगुष्ठाभ्याम भ्याम ठीक उंगली को घुमाया एंग अंगुष्ठाभ्याम नमः फिर तर्जनी ये तर्जनी है क्लीम तर्जनी भ्याम नमहा फिर मध्यमा बीच वाली उंगली सौह मध्यमा नमः फिर अनामिका तीसरी उंगली एंग अनामिकाभ्याम नमः फिर कनिष्ठिका काली कनिष्ठिकाभ्याम नमः सौह करतला करपृष्ठाभ्याम नमः हो गया आपका न्यास पहले अंगूठा फिर तर्जनी फिर मध्यमा फिर अनामिका फिर कनिष्ठिका करतल करपृष्ठाभ्याम नमः अब हम लोग अंग न्यास करते हैं अंग में हृदयाय नमः हृदय क्लीम सिर से स्वाहा सिर सौह शिखा शिखा ठीक है जहां शिखा बंधन होता है शिखाय व शर्ट फिर कवच शोल्डर एंग कवचाय हू क्ली नेत्र त्रयाय तीन नेत्र है हमारे एक दो तीन नेत्र त्रयाय सौह अब है अस्त्राय फट तो अस्त्र के लिए हम लोग ऐसे लेते हैं बंदूक के जैसे हमारा अस्त्र है <laughs> सौह अस्त्राय फट तो अस्त्र हमारा गया बाएं कंधे से उल्टे डायरेक्शन में गया अस्त्राय उसके बाद आता है भूर भूरा सुरोमती दिग बंद भूर भूसरोमती यानी कि हमने दिग बंद किया मतलब हमने अपने सारे डायरेक्शंस को आठ डायरेक्शन दस डायरेक्शन है ऊपर भी और नीचे भी और आठ डायरेक्शन आजू बाजू वो हमने सारे जो दिशाएँ हैं सबको हमने बंद किया हमने सबको कहा कि जो भी हमारे लोग जो भी हम हमारे साधना को डिस्टर्ब करने आने वाले सब लोग आप लोग दूर रहो कोई आजू बाजू आना मत तो हमने इसे कट 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 किया वाला दूर ठीक <laughs> तो छह अंगों को हमने अभी न्यास से पवित्र किया क्या छह अंग थे हृदय शिर शिखा कवच कवच यानी कंधे तीन नेत्र फिर अस्त्र लिया हमारा अस्त्र अस्त्र को लेकर के हमने फट किया कि हम कितने पावरफुल हैं कोई हमसे मैस नहीं करना कोई मैस नहीं करना मतलब कि कोई हमें तकलीफ नहीं देना कोई भी लोग जो भी यहाँ पर हैं ब्रह्मांड में हम माँ के जब कर रहे हैं तो आप लोग अब अपने अपने जगह में जाइए दूर रहिए भू भू सरोमती दिग्बंध मतलब पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक भी कोई भी हमारी साधना को अब ले नहीं सकता अब हम माँ की साधना में लग रहे हैं तो ये इसका अर्थ हुआ हम क्यों करते हैं ये सब कुछ पवित्रीकरण के लिए हमारी उंगलियाँ पवित्र हो अब हम साधना करने वाले हैं जप करने वाले हैं अर्चना करने वाले हैं हमारा हृदय पवित्र हो हमारा पूरा अंग प्रत्यंग पवित्र हो इसलिए हम इस भावना से इसको हम करते हैं ये मैंने आपको पुस्तक में जैसा लिखा गया है वैसा मैंने आपको बताया अब कुछ कुछ पुस्तकों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा लेकिन कोई गलत नहीं होगा सब सही ही होंगे ठीक अब किसी को ये सब कुछ नहीं आ रहा है इतना समझाने के बाद भी वीडियो बनाने के बाद भी कई बार लोगों को मैंने देखा है कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे पता नहीं कुछ गलत कर रहे गलत कर दिए तो क्या हो जाएगा लोगों ने कहा है दीक्षा नहीं ली फिर भी हम कर रहे हैं तो जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता जो या जिनको लग रहा है नहीं हमसे कुछ गलती हो गई तो क्या तो या किसी किसी को पढ़ने नहीं आता तो हमारे गुरुदेव मेरे पिताजी परम पूज्य स्वामी देवी चेतनानंद जी ने और उनकी गुरु परंपरा में सब ने इसको सरल बना दिया भले क्योंकि कई लोग गांव वगैरह से आते थे ऐसे देहाती होते थे जिनको ये सब नहीं समझ में आता था उंगली को ऐसे करो फट फुट नहीं समझ में आता था उनको नमस्वाग ये सब क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आता था तो पिताजी ने सरल बना दिया मोला अब मैं आपको सरल विधि बताती हूँ तीन लोगों को याद करना हे श्री गुरुवे महा श्री गणेशाय महा श्री भैरवायन महा हे गुरुदेव आपको नमस्कार है हे गणेश जी आपको नमस्कार है हे भैरव जी आपको नमस्कार है हे गायत्री माता आपको नमस्कार है गायत्री मंत्र सबको आता है ओम भूर्भुअ स्व भर्गो देव शीम धियो यो न प्रचोदयात् फिर आप संकल्प ले लीजिए हे मां हे ललिता अंबिका हम ये जब करने वाले हैं आप हम पर कृपा कीजिए अब न्यास करना है तो, तो उंगलियों में करना है तो एक मंत्र लेना एंग रिंग श्रिंग रिपीट करो एंग रिंग श्रिंग कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमारे यहां तो एम रीम श्रीम बोलते हैं वो भी सही है एम रीम श्रीम भी सही है एंग, रिंग, श्रींग भी सही है संस्कृत के कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से दोनों सही हैं। हमारे परंपरा में हमको एंग रिंग, श्रींग दिया गया है इसलिए मेरे मुख से आप बार बार एंग रिंग, श्रींग ही सुनेंगे ठीक तो आप यह मंत्र याद कर लेना अब आप न्यास करेंगे कैसे करेंगे सरल वाला न्यास एंग रिंग एंग रिंग श्रींग एंग रिंग श्रिंग एंग रिंग श्रिंग एंग, एंग रिंग श्रींग अगर ये भी नहीं होता एंग रिंग ग्रींग एंग रिंग श्रिंग एंग रिंग एंग रिंग श्रिंग छह बार आप कर लीजिए फिर पूरे शरीर को करना नीचे पैर से लेकर के सर तक फिर सर से लेकर पैर तक आगे तीन बार पीछे तीन बार भावना से ठीक सो पैर से पैर के अंगूठों से एंग एंग रिंग रिंग रींग एंग रिंग श्रींग्रींगींग सर पे आ गए फिर नीचे आइए पैर के अंगूठे तक फ्रंट में एंग रिंग सिंग एंग रिंग सिंग एंग रिंग सिंग एंग रिंग सिंग फिर एक बार ऊपर आइए एंग रिंग सिंग एंग रिंग सिंग एंग रिंग सिंग अब भावना कीजिए कि पीछे से भी ये मंत्र चल रहा है आपके अंदर सर से लेकर के पैर तक एंग रिंग सिंग 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 हो गया आपका न्यास सरल मेथड है ना क्या करेंगे गुरुदेव को नमस्कार गणेश जी को नमस्कार भैरव जी को नमस्कार गायत्री मंत्र पढ़ना है फिर अपना मन से अपनी भावना और अपनी इच्छाएं व्यक्त करके मां को नमस्कार करना है फिर छह बार एंगरिंग सिंह हाथों पर और छह बार ऊपर से नीचे एगरिंग सिंह हो गया इसके बाद आपको ध्यान मंत्र का उच्चारण करना है यह आपको सीखना पड़ेगा चार ध्यान मंत्र दिए गए हैं पुस्तक में अगर आप चारों नहीं कर सकते तो एक तो आपको करना पड़ेगा अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जैसा अर्थ बताया है वो भाव आप करके मां को याद कर सकते हैं तो अब मैं ध्यान मंत्र पढ़ती हूँ सिंदूरारुण विग्रहायना स्फुर तारा नाक शेखरा स्मित मुखी आपी न वो पाणीभ्य मलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पल बिभ्रतिम सौम्यां रत्नघटस्त रक्तचरणाम् ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणा करुणातरङ्गिताक्षिम् धृतपाशाङ्कुश आणीमादिभिरावृतं मयूखै अहमित्येव विभावये भवानें ध्यायेत पद्मासनस्थाम् विकसित वदनाम् पर्णपत्राय ताक्षिम हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसदहेम पद्मां वरांगिम सर्वालंकारयुक्तां सततम भक्तनं राम्भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरुनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुंकुं विलेपनामलिकचुम्बीकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां शशरचाप पाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्य माल्या जपा राम जप आ कुुम्भासुर जप विधौ ये हो गया ध्यान मंत्र चारों पढ़ सकते हैं नहीं तो केवल एक पढ़ सकते हैं अब हम लोग अंत में ध्यान के बाद आपके घर में जहाँ पर आप बैठ करके के करेंगे माँ की अच्छी सी तस्वीर रखना बहुत सारी तस्वीर है एक बात को ध्यान रखना बहुत लोग बहुत, बहुत लोग मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि माँ की तस्वीर कैसी होनी चाहिए उनको पता नहीं चलता ललिता माँ की तस्वीर में क्या डिफरेंस है बाकी की देवियों से तो, तो ललिता माँ के हाथ में गन्ना होता है तो वो जो तस्वीर आपको ऐसे मिले अच्छा कई लोगों ने पूछा कि रंग कौन सा होता है उनका वो लाल साड़ी भी पहन सकती है पीली साड़ी भी पहन सकती है नीली साड़ी भी पहन सकती हैं वो हरी साड़ी भी पहनती हैं कभी कभी हमने उनको एक साड़ी क्यों बना करके रखा है हाँ लेकिन ज़्यादातर लाल साड़ी में ही दिखेंगी तो लाल साड़ी में ज़्यादातर दिखती हैं लेकिन मेन चीज़ जो ध्यान देना होता है तो गन्ने वाली जो तस्वीर होगी वो आप ले करके रखना और भी उनके अलग अलग स्वरूप हैं लेकिन सबसे पॉपुलर गन्ने वाली तस्वीर ठीक है ये करने के बाद आप माँ को पूजा समर्पित करेंगे उसके मंत्र होते हैं मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं है चीज़ माँ को आप समर्पित कर देना हे माँ हम आपको गंध समर्पित करते हैं गंध से होता है इत्र ले लो आप इत्र नहीं है गुलाब जल ले लो माँ को थोड़े से गुलाब जल छिड़को इत्र अलग अलग हो सकते हैं चंपा का इत्र हो सकता है मोगरे का इत्र हो सकता है कोई भी इत्र तो माँ को गुलाब जल छिड़को या कोई भी इत्र छिड़को और हे माँ हम आपको गंध समर्पित करते हैं हे माँ हम आपको पुष्प समर्पित करते हैं अच्छे अच्छे पुष्प ले आइए अब इसमें भी लोगों को प्रश्न आता है कौन से रंग का सभी रंग का ले आइए लाल रंग ज़्यादा अच्छा होता है सभी रंग का ले आइए जो पुष्प आपको मिलता है वो लाइए अगर ये भी नहीं मिलता तो अपने मन रूपी पुष्प को समर्पित कीजिए पुष्प का एक अर्थ होता है सुमन सुमन सु से अर्थ होता है अच्छा सुंदर मन तो अपने सुंदर मन को माँ को समर्पित कीजिए ठीक है तो पुष्प चढ़ाना और बोलना हे माँ ये पुष्प नहीं है ये मेरा सुंदर मन है ये मेरा सुंदर हृदय है ये मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ So, गंध समर्पित किया सुमन पुष्प समर्पित किया अब दीप अपने हृदय की भक्ति रूपी दीप समर्पित करना और उनको अगरबत्ती समर्पित करना अगरबत्ती दिखाना धूप और उसके बाद उनको नैवेद्य हम चढ़ाते हैं अमृतम महानैवेद्यम अमृत अम्रित रूपी नैवेद्य तो नैवेद्य में आप जितनी बार भी पूजा करेंगे याद रखना इसको जब भी आप बैठेंगे सतनामाम करने के लिए नैवेद्य होना चाहिए थोड़ी सी किशमिश रख लीजिए किशमिश नहीं है घर घर में दूध तो होता ही है थोड़ा सा दूध रख दीजिए दूध नहीं है आपके घर में शक्कर ही रख दीजिए शक्कर नहीं है मिश्री रख दीजिए कोई फ्रूट रख दीजिए और अगर आप अच्छे से भोजन बना करके रखते हैं तो बेस्ट है तो इतने सारे मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए दही रख दीजिए दही में शक्कर डाल करके दही मिश्री रख दीजिए मक्खन रख दीजिए कोई भी ड्राई फ्रूट काजू हो जो भी आपको रखने की इच्छा हो जो आप दे सकते हैं दे दीजिए फिर रामदाना होता है बताशा होता है चना गुड़ होता है ये सब आप माँ को समर्पित कर सकते हैं सिंगदाना होता है मूंगफली वो भी आप दे सकते हैं अंगूर होते हैं तो सब कुछ ये आप माँ को अर्पित कर सकते हैं ये सब भोग के समान और भोग और जल जल जरूर चढ़ाना है और उसके बाद ये सब कहने के बाद हे माँ हमने आपको गंध अर्पित किया हमने आपको पुष्प अर्पित किया हमने आपको धूप अर्पित किया हमने आपको दीप अर्पित किया हमने आपको नैवेद्य अर्पित किया और हम अपनी पूरी ये पूजा जो हम करते हैं ये हम आपको समर्पित करते हैं हे माँ आप अब आप आशीर्वाद दीजिए हे गुरुजन अब आप आशीर्वाद दीजिए कि हम ये जो शस्त्र नामावली है इसको निर्विघ्न समाप्त पढ़ सके और हम पर हमेशा कृपा कीजिए तो ऐसा कहके फिर आप अपने सस्त्र नाम स्त्रोत्र का पाठ शुरू करेंगे अब मैं जो बुक में दिया गया है वो मंत्र भी पढ़ देती हूँ और उसका और एक सरल वर्जन भी आपको पढ़ करके सुनाऊंगी लम पृथ्वी आत्मिकाए शीललताम्बिकाए गंधम परिकल्पयामी हम आकाशात्मिकाय श्रीललितांबिकाय पुष्पाणी समर्पयामि यम वायत, वाय वाय वायव्यात्मिकाय वायव्य वायव्यात्मिकाय श्रीललतांबिकाय धूपम आग्रपयामि रम వహనీయాత్మకాయ శీలతాంబిాయ దీపం దర్శయామీ వం అమృతత్మికాయ శీలతాంబికాయ అమృత మహానైవేద్యం నివేదయామి సం సర్వాత్మికాయ శీలతాంబికాయ సర్వపచార पूजान समर्पयामी अब ये एक वर्जन है और सरल बनाना है तो तो केवल इतना कहिए, लम श्रीललताम्बिकाए गंधम परिकल्पयामी हम श्रीललताम्बिकाए पुष्पाणी समर्पयामी यम श्रीललताम्बिकाए धूपम आग्रपयामी रम श्रीलिताबिकाय दीपं दर्शयाम वम श्रीलिताबिकाये अमृत महानैवेद्यम सम संीलिताबिका सरोपचार पूजा सामर्पयामी और सरल बनाना है तो श्रीलिताबिकाये गर्पयाम श्रीलिताबिपुष्पया श्रीलितांबिधप आग्रपयामी समर्पयामी, श्री समर्पयामी, श्री समर्पयामी श्री दीपम समर्पयामी शीललतांबिका ये अमृतम महानैवेद्यम समर्पयामी शीललतांबिका सर्वोपचार पूजान समर्पयामी हो गया तो इसी के साथ ये मैंने आपको सारे वर्जन बता दिए जो भी वर्जन आप लेंगे सब सही है सरल करना चाहे तो सरल कीजिए जिसको और अच्छे से संस्कृत पढ़नी आती है उस अच्छे वाला भी कर लीजिए फल एक ही है चिंता मत करना कि उसने सरल किया तो मुझे फल नहीं मिलेगा क्या उसने ज़्यादा क्या ऐसा कुछ नहीं है माँ भावना देखती है और आपका प्रयास देखती है तो माँ और गुरुजन आप पर कल्याण करें आप लोग दिल लगा करके इसको कीजिए आगे के की वीडियोज़ में धीरे धीरे सभी चीज़ों का अर्थ बताऊंगी और जो गुह अर्थ है वो भी आपके सामने प्रकाशित करूंगी तब तक के लिए जय मां, जय ललितम्बिका जय गुरुदेव